साथियों, अब की दशहरा का त्यौहार बारिश के वजह से डाउन चल रहा है। जहां यहां पर बड़े परेड ग्राउंड में लाखों संख्या में रावण का वध देखने के लिए विसर्जन के बाद यहां पर इकट्ठा होते थे, वो माहौल अब की नहीं दिखाई दे रहा है। दशहरा का त्यौहार भारी बारिश के चलते फीका पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोगों के अथक प्रयास से और कमेटी के मेहनत से यहां पर दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये भगवान राम की सवारी यहां पर आ रही है, लंकापति रावण का वध करने के लिए भगवान राम की सवारी बड़े परेड ग्राउंड के मैदान में आ रही है। और जिनका अभिवादन सभी राम भक्त करते हुए और ये भगवान राम की सवारी, भगवान राम का रथ, लंकापति रावण का वध करने के लिए भगवान राम का रथ बड़े परेड ग्राउंड मैदान की तरफ कूच कर रहा है। रामलीला मैदान से इकट्ठा होकर यह रथ, भगवान राम का रथ, लंकापति रावण का वध करने के लिए आ चुका है। और अभी यहाँ पे राम और रावण का युद्ध होगा, जिसमें भगवान राम की असत्य पर सत्य की जीत होगी और लंकापति रावण की हार सुनिश्चित है इस युद्ध में। अभी भगवान राम और रावण का युद्ध यहाँ पर होने वाला है और भगवान राम की वानर सेना यहाँ पर पहुँच चुकी है। कुछ ही समय में, कुछ ही पल में लंकापति रावण और भगवान राम की सेना का युद्ध होगा, जिसमें भगवान की राम की सेना विजयी होगी। और इसी को देखने के लिए यहाँ पे तमाम हमारे साथी लोग इकट्ठा हुए हैं और तमाम भक्तगण, भगवान राम के भक्तगण, हनुमान जी के भक्तगण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और देखिए, रथ अभी यहीं पे रुका हुआ है, एक ही जगह पे रथ रुका हुआ है। रथ, ये भगवान राम का रथ आगे बढ़ने वाला है और हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा हमने पहली बार देखा है काफ़ी। और ये देखिए विजय जुलूस जिसका सभी यहाँ पे अभिवादन करते हुए, ये भगवान राम का विजय जुलूस जो लंकापति रावण का वध करने के लिए आया है, भगवान राम का जुलूस जो लंकापति रावण का वध करने के लिए आया है। लंकापति रावण बड़े परेड ग्राउंड में आ चुके हैं। लंकापति रावण लंकापति रावण यहाँ पे आ चुके हैं और भगवान राम से इनका अभी भीषण युद्ध होगा, जिसमें लंकापति रावण पराजित होंगे। अभी लंकापति रावण को आज पराजित होना है। देखिए, बिल्कुल राय की मुद्रा में लंकापति रावण यहाँ पे आए हुए हैं। वास्तव में ये नज़ारा काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा नज़ारा हमने दशहरे के
अवसर पे पहली बार देखा है और यहाँ पे विजय उत्सव पर पटाखे बसते हुए आज बानर सेना की लंका पर चढ़ाई है और राम और रावण का युद्ध अभी अभी कुछ देर में होने वाला है साथियों। और अब रावण दहन होने वाला है, आप लोग देखिए कितना बढ़िया रावण दहन होने वाला है। चली राम जी की सेना चली, 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 राम जी की। और ये लंकापति रावण को युद्ध के मैदान में उतारने के लिए विवश किया जा रहा है। और लंका पति रावण का रथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ ये जी जी और ये राम जी की बानर सेना, ये देखिए नल नील, ये देखिए भारी बारिश में नल नील जा रहे हैं लंका पति रावण पर चढ़ाई करने के लिए। ये देखिए लंकापति रावण पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और बारिश में अभी रावण का वध भी करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आए हैं बड़े परेड ग्राउंड में। और ये राम भगवान राम की बानर सेना जाती हुई और ये हनुमान जी, बोलिए पान पुत्र हनुमान के हनुमान जी सभी देवी देवता आगे जाते हुए लंकापति रावण का वध करने के लिए ये रामचंद्र जी की सेना जाती हुई, लंकापति रावण का वध करने के लिए भगवान राम की सेना जाती हुई, बोलिए बजरंग बली के, लंकापति रावण का वध करने के लिए भगवान राम की बानर सेना जाती हुई। देखिए भारी बारिश में अभी राम और रावण का युद्ध होगा जिसमें रावण पराजित होंगे और असत्य पर सत्य की विजय होगी। लंकापति रावण की सेना आज भगवान राम की सेना से युद्ध में पराजित होगी और यहाँ पे बैंड बाजा और ढोल नगाड़े के साथ विजयोत्सव मनाने आए हुए हमारे सभी भक्तगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, बारिश का मौसम है और भगवान का रथ, राम का रथ जो काफ़ी दूर खड़ा हुआ है हमसे, हम चलते हैं हम उस रथ के पास, हम चलते हैं उस रथ के पास, भगवान राम के रथ के पास। देखिए कितना बढ़िया नजारा है बारिश में, ये भगवान राम का रथ है, ये भगवान राम का रथ है जिसमें भगवान राम विराजमान है, ये भगवान राम का रथ है देखिए साथियों। और ये लंकापति रावण का वध करने के लिए बड़े परेड ग्राउंड में आ गए हैं और अभी अभी लंकापति रावण का वध होने वाला है साथियों। ये रथ भगवान राम का रथ है, ये भगवान राम का रथ, भारी बारिश में भगवान राम का रथ यहाँ पे रुका हुआ है और लंकापति रावण पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम का रथ आया हुआ है। बोलिए सनातन धर्म के जय हो, बोलिए अयोध्या के श्री राजा रामचंद्र की जय हो।